बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से चांद रात और ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी हम लोगों ने रोज़ा खोला था और उसके बाद हम लोग आ गए थे छत पे चांद देखने के लिए, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है चांद नज़र आ गया था। तो यहाँ पे अभी हम चांद देखकर गए अपने भाई के घर, वहाँ पे क्योंकि मेरे दोनों भतीजे इत्तेकाफ में बैठे हैं, और ये जो मेरा छोटा भाई है उनका बेटा है और ये फर्स्ट टाइम इत्तेकाफ में बैठा था। तो यहाँ पे जो है अभी सब आए हैं। अल्लाह पाक जितने भी लोग इत्तेकाफ में बैठे हैं उनके इत्तेकाफ कबूल करे, रोज़े इबादतें, और जिन लोगों ने घर में इबादतें करी हैं, रोज़े रखे हैं, अल्लाह पाक उन सब के भी कबूल करे। तो उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे ऊपर वाले भाई के घर, क्योंकि मेरे दोनों भाई जो हैं वो एक साथ रहते हैं, एक नीचे वाले पोर्शन में रहता है, एक ऊपर वाले पोर्शन में रहता है। तो अभी हम लोग आए हैं और ये है समद, अब्दुल समद नाम है इनका, और ये तीसरी बार जो है वो इत्तेकाफ में माशाल्लाह से बैठे हैं। अल्लाह पाक सबकी इबादतें कबूल करें। उसके बाद फिर हम लोग घर पे आ गए थे। यहाँ मैंने बनाया है शीर खोरमा, और ये मैंने बनाया है लजीज़ा मिक्स जो होता है डब्बे वाला, उससे बनाया है। उसमें ना सब कुछ होता है, बादाम पिस्ते सब कुछ डले हुए होते हैं, चीनी भी होती है। तो यहाँ पे हमने 1 किलो दूध लेकर और इसको पका लिया था। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी वीडियो कैसी लगी, और पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।